नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की धूमिल होती सहिष्णु छवि की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णी जी। जयदीप जी, सुधीन्द्र कुलकर्णी का मुंह काला करने की बात हो या दादरी का अखलाक हत्याकांड हो, इस तरह की घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं इन दिनों। मेरे ख्याल से घटनाएं ज्यादा नहीं हो रही, घटना को तवज्जो ज्यादा दी जा रही है। हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं और ये दुर्भाग्य है कि जो कारतूस पर लगी हुई चर्बी है वो 1857 के संग्राम से लेकर अभी तक उसी तरह से मौजूद है। देखिए, अंग्रेजों ने षड्यंत्र के रूप में उस वक्त जो कारतूस आते थे हिंदुस्तानी सिपाहियों को दिए जाते थे, उसमें जो हिंदू सिपाही थे उनके जो कारतूस थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था पहले चलाने के लिए, तो उस पर गाय के मांस की चर्बी लगा दी थी, और जो मुसलमान सैनिक थे उनके कारतूस पे सुअर के मांस की चर्बी लगा दी थी। और ऐसा उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इसलिए किया था कि वो आपस में विद्रोह कर लें, सैनिक आपस में झगड़ लें और उनकी उस फूट का फायदा अंग्रेज शासन को मिले। लेकिन वो उस वक्त सफल नहीं हो पाए थे और उसके बाद हम सब जानते हैं कि गदर हुआ और उस गदर में पहली चिंगारी जो विरोध की भड़की थी उसके परिणाम स्वरूप 1947 में हमको दरअसल आजादी मिल पाई। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस वक्त जो कारतूस कमाल नहीं दिखा पाए थे, वो चर्बी जो कमाल नहीं दिखा पाई थी, वो कारतूसों पे लगी हुई चर्बी आज इस हिंदुस्तान में नासूर बनकर हमें तकलीफ दे रही है और हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कट्टर पंथ को जगह देकर, मुझे लगता है कि ये एक पूरा सोचा समझा सुनियोजित षड्यंत्र है। और हम दरअसल घटनाओं को दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली घटना देखने की बजाय दो समाजों, दो धर्मों, दो जातियों, दो संप्रदायों के बीच में होने वाली घटनाओं के रूप में आकलन करने लगते हैं और इसी वजह से ये बात वहां पहुंच जाती जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। जैसा कि हम पहले इन सब घटनाओं पर अलग अलग बात भी कर चुके हैं, जैसे सुधीन कुलकर्णी का अगर मुंह, तो शिवसेना ने किया है, शिवसेना वहां पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रही है, केंद्र में भी दे रही है, और उसी का एक धड़ा जब इस तरह की हरकत करता है, आप ये मानकर चलिए कि वो कसूरी की जो किताब का विमोचन हुआ वो एक क्लिप और एक फ्लैश न्यूज बनकर रह जाती है। अगर ये घटना दिल्ली में भी उस किताब का विमोचन हुआ तब तो कोई हल्ला नहीं मचा। उसी किताब का विमोचन जब मुंबई में होता है तो उस किताब के विमोचन के समारोह को सीधा प्रसारित किया जाता है, जिसमें सुधींद्र कुलकर्णी अपने काले मुंह को लेकर बड़ी हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं। ये सब सच है, इसके पीछे कट्टरपंथ है या इसके पीछे कोई स्टंट है या इसके पीछे वो तत्व है जो हिंदुस्तान की इस पूरी शांति प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहते हैं, इसका सीधा सीधा आकलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर इसकी गहराई में जाकर आम जनता इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के मुद्दों से चिढ़ती जरूर है लेकिन शामिल नहीं होती है। हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर इसके बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। वो न दादरी में बैठी हैं, न वो कलबुर्गी की हत्या में बैठी हैं। ये सब हो रहा है, ये गलत है, लेकिन इनको जितना बड़ा बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है वो उतना बड़ा बनाए जाने की जो कोशिशें हैं वो निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं जो है मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में आप देखिए कि विकास की बात हो नहीं पा रही है। बिहार का पूरा चुनाव विकास के मॉडल से शुरू होकर गाय, गौमांस और जाति परिवार पर आकर टिक गया है। वो बिहार जिसने लोकसभा चुनावों में जातीय गणितों को पूरी तरह से नकारते हुए, वो बिहार जहां पर सारे चुनाव जाति के आधार पर होते रहे, उसमें 2014 का लोकसभा का चुनाव एक मिसाल बना कि वहां जातीय समीकरणों को धता बताते हुए इतना बड़ा वो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। उसी बिहार में वापस जाति व्यवस्था आ गई है, उसी बिहार में गाय गोमांस की बात हो रही है, वहीं पर ये दादरी का हत्याकांड इतना ज्यादा चर्चा में आ रहा है जिसका कि कोई लेना देना नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ है, नोएडा में हुआ है जो दिल्ली के करीब है। हम कलबुर्गी की हत्या की चर्चा इस तरीके से कर रहे हैं जैसे मानो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार ने उसको करवाया हो, जबकि वो जिस प्रदेश में हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं है। जिस वक्त पानसरे की हत्या हुई है, जिस वक्त दाभोलकर की हत्या हुई है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही वहां पर नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें सही परिप्रेक्ष्य, कोई धड़ा हिंदुस्तान में ऐसा है जो कट्टरवाद को बढ़ावा देता है और वो दोनों ही धर्मों में मौजूद है। हिंदू कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले तत्व भी मौजूद हैं और मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले, लेकिन ये दोनों क्या उन धर्मों के, उन समाजों के सच्चे प्रतिनिधि हैं? क्या वो पूरा का पूरा समाज, क्या पूरा का पूरा हिंदू समाज? देखिए कि आप इसके विरोध में सबसे ज्यादा लोग कौन आए। आज भले ही जितना भी विवाद इस बात पर हो रहा हो कि साहित्य अकादमी के पुरस्कार वो कोई मुस्लिम लेखकों ने नहीं लौटाए, वो लेखक हैं, वो हिंदू मुस्लिम वैसे भी नहीं है, पर वो जो लेखक हैं वो हिंदू समाज के प्रतिनिधि हैं, वो हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन जिस समाज के भीतर खुद ही का विरोध करने की, खुद ही को सुधारने की ताकत हो, वो समाज निश्चित तौर पर समय के साथ मजबूत होता है। और भले प्रतीक स्वरूप में से ही विरोध हुआ है,
इसी तरह अगर मुस्लिम कट्टरपंथ है तो उसका विरोध भी, जो प्रगतिशील मुस्लिम है जो दरअसल धर्म की उन दायरों से जो हमें सिकोड़ते हैं ऊपर उठ चुके हैं, वो भी उसका विरोध करते हैं। जरूरत है उन आवाजों को बुलंद करने की बजाय कि इस तरह की आवाजों को अहमियत देने की जो मुंह काला करती हैं या फिर किसी विचारशील व्यक्ति की हत्या कर उसके विचार को खत्म करने की कोशिश करती है और वो ये नहीं समझ पाती कि वो विचार जितना बड़ा था उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है जब आप व्यक्ति को मारकर विचार को मारने की कोशिश करते हैं। गांधी को गोली मारने के बाद गांधी खत्म नहीं हुए, गांधी का विचार प्रासंगिक बना हुआ है, उनकी मूर्ति उस ब्रिटेन में लगी है जहां पर जिसने हम पर हुकूमत की थी। तो विचार कभी व्यक्ति के मारने से खत्म नहीं होता और समाज में इस कट्टरपंथ को हवा देने वाले जो लोग हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए, उनके षड्यंत्र को सामने लाया जाना चाहिए। वो एक तरह से मुझे लगता है पूरा कागज है जो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कोई एक सरकार आ गई है जो लगातार ये करवा रही है। इसमें सरकार को क्लीन चिट हम देने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम तथ्यों और तर्कों के आधार पर बहस करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र सामने आ सकते हैं। यदि गोहत्या की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हम सड़कों पर चौराहों पर देखते हैं गायें खड़ी होती हैं, फिर दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। देखिए ये बात है कि हमने उन प्रतीकों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लिया है, हमने उन प्रतीकों को धर्म के नाम पर इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि हम सचमुच उनके जो मूल निहितार्थ थे उनको भूल गए हैं। हिंदुस्तान में गौ पूजा की एक बहुत पुरानी परंपरा है, हमने ये देखा है कि जब भी ये दुर्दिन आए हैं, अकाल पड़ा है, तो मवेशियों ने, गाय की उपलब्धता ने यहाँ पर हमें उसमें मदद की है। और जब हमारे समाज में वेदों में कहा गया कि, वेदों में कहीं नहीं कहा गया कि गौहत्या करनी चाहिए या गौमास के भक्षण का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन उसको कुत्सित तरीके से, गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। आप समझ कर देखिए कि यही प्रश्न जब स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया तो उन्होंने उसका सीधा स्पष्ट उदाहरण दिया था कि यदि रेत में कोई धर्म जन्मा है, अरब में कहीं जहां पर फल फूल नहीं होते, फसलें नहीं होती, दाल अनाज तिलहन नहीं होते, तो वहां पर उनके पास वो उपलब्ध पशुओं का मांस काट कर खाने के अलावा जीवन यापन के लिए और क्या चारा है। पर हम उस हिंदुस्तान में गाय माता की पूजा करना चाहें पे जहां धन धान्य अन्य फसलों से आप पूरा खेत खलियान आपके भरे हुए हैं, तो वो गाय जो आपको निश्चित तौर पर हर प्रकार से उसके गोबर से लेकर तो उसके दूध तक सब कुछ चीजें जब इतनी उपयोगी हैं, तो उनको मारने कत्ल करने की बजाय हम उनकी पूजा करेंगे तो शायद उनका कत्ल हम रोक पाएंगे। इस मूल विचार से जाकर हमने उसको अपने धर्म और प्रतिष्ठा का प्रश्न इस तरीके से बना लिया है। आप देखिए यूरोप के कई देशों में गाय का मांस खाया जाता है, गाय और उससे जुड़े हुए अन्य जो नस्ल है उनका मांस खाया जाता है, तो वो वहां की जो ठंड है, उसके अलावा वहां पर मवेशियों का, जैसे मुर्गों को पालकर उसको काटकर आप खाते हैं, उसी तरह वहां मवेशियों को भी उस तरीके से पाला जाता है मांस के लिए। तो ये हर समाज के रीत रिवाज हैं, उनको धर्म से जोड़ा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैसे नदियों की पूजा की परंपरा, आप गाय की बात कर रहे हैं, नदियों की पूजा की परंपरा बनाई गई, वो इसलिए कि मालूम था कि सभ्यताएं नदी के किनारे पनपती हैं, इनका पानी जो है वो जीवनदायी है, हम इनको खराब न करें, गंदला न करें। लेकिन हम नदी में हार फूल कर रहे हैं पूजा के नाम पर, वहीं कपड़े भी धो रहे हैं, वहां गंदगी भी बहा रहे हैं, वहीं शवों को भी बहा रहे हैं, और हमारे शहर का जो मल मूत्र विसर्जित हम कर रहे हैं वो भी नदियों में हम बहा रहे हैं, तो ये किस तरह की नदी की पूजा है। इसी तरह जब सड़क पर पड़ी हुई पॉलीथीन खाकर हमारी गाय मर रही है तो उसकी रक्षा करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है, लेकिन कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आके गाय की पूंछ भी मरोड़ दे तो हमारे धर्म पर आंच आने लगती है, तो ये किस तरह गौ माता की पूजा हम कर रहे हैं। गौ माता की सच्ची पूजा तो तब होगी जब आप शहर में सड़कों पर आवारा घूमने वाली गायों को कोई व्यवस्थित ठिकाना दें, आपके पास अगर पैसे संसाधन उपलब्ध हैं तो उनके लिए गौशाला बनवाएं, अगर आपके पास व्यवस्था है तो उनके चारे पानी की रोज की व्यवस्था करें। आपको सच्चे अर्थों में जो वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ वो पुण्य भी मिलेगा, गौ माता की सेवा भी होगी, और कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसको किसी भी तरीके से आहत भी नहीं कर पाएगा। अब आप हर चीज में केवल धर्म की प्रतिष्ठा के लिए रात को जगें और सड़क पे आके खड़े हो जाएं, लेकिन बाकी समय उस गाय के साथ क्या हो रहा है वो देखने नहीं जाएं, बाकी समय उस नदी के साथ क्या हो रहा है वो देखने नहीं जाएं, बाकी समय उस बड़ के और पीपल के पेड़ को कौन काट रहा है वो आप देखने नहीं जाएं, लेकिन धर्म के नाम पर आप इस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश करें तो ये गलत। यदि भी इस तरह की घटनाओं के बीच पाकिस्तान ने भी भारत को भाईचारे और सद्भाव की नसीहत दी है। देखिए अब इससे हास्यास्पद तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये इससे अच्छी इस बात की कोई मिसाल नहीं है उस मुहावरे की, चलनी हमसे पूछे कि तुझ में कितने छेद। अब जो पाकिस्तान आतंकवाद का इतना बड़ा सरपरस्त है, जिस पाकिस्तान की सरपरस्ती में दुनिया के अन्य देशों में आतंकवाद की तस्करी की गई, आतंकवाद को भेजा गया, जिस पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता चरम पर है, जिस पाकिस्तान की मस्जिदों में लगातार धमाके होते हैं, जिस पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक मंदिरों को लगातार ढाया जाता रहा है, जिस पाकिस्तान में हिंदू आबादी जो शुरुआत में थी वहां से लेकर अब लगभग नगण्य रह गई है, जिस पाकिस्तान में रावलपिंडी के स्कूल में बच्चों को, मासूम बच्चों को गोलियों से भूनकर खत्म कर दिया जाता है, वो पाकिस्तान अगर धार्मिक सद्भावना की और भाईचारे की नसीहत हमें देता है तो उन पर केवल हंसा ही जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि आप अपने मुल्क को देख लीजिए, अपने घर को देख लीजिए, और कम से कम कृपया पाकिस्तान तो हमें नसीहत देने की कोशिश नहीं करें। हमारे देश का ताना बाना कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी स्तरों पर कई गुना ज्यादा मजबूत है, और मुझे लगता है वर्तमान में भी शायद
पाकिस्तान परस्त कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ताने बाने को अंग्रेजों की तर्ज पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इन षड्यंत्रों को कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। ये निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद, दूसरे और संवाद के माध्यमों के आने के बाद एक छोटी सी चीज को बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनाकर समाज में प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन यही वो वक्त है जब मुझे एक और बात यहां पर कहनी है कि साहित्यकारों को ऐसे समय में पुरस्कार लौटाने की बजाय ऐसा कालजयी साहित्य रचना चाहिए, क्योंकि साहित्य हमेशा समाज को दिशा देता है। साहित्य जो होता है वो भटके हुए समाज को सही राह पर लाने की सबसे बड़ी कोशिश करता है। हमारे समाज की कुरीतियों को प्रेमचंद ने जितने अच्छे से पहचाना और जितने अच्छे से उखाड़ा कोई नहीं होगा। जिस तरह फणीश्वरनाथ रेणु ने समय पर प्रहार किए उसको कौन भुला सकता है, जिस तरह दिनकर ने समय पर प्रहार किए उनको कौन भुला सकता है। तो मुझे लगता है कवि और साहित्यकारों की इस वक्त समाज को ज्यादा जरूरत है। उनके पुरस्कार लौटाने या न लौटाने से समाज पर कोई फर्क भले ही ना पड़े, लेकिन उनके साहित्य से समाज पर जरूर फर्क पड़ेगा। आजादी के समय में भी साहित्यकारों ने, गीतकारों ने अपने कौमी तरानों से, अपने कौमी लेखन से हिंदुस्तान की आजादी को एक नई दिशा दी थी। कवि प्रदीप के योगदान को हम ऐसे में याद करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें उन साहित्यकारों की आवश्यकता है जो ऐसे समय पर मौन रहकर अपने पुरस्कार लौटाने की बजाय, उनके विरोध का यह ज्यादा तरीका सकारात्मक होगा कि उनकी नज्में, उनकी गजलें, उनकी कविताएं, उनका साहित्य, उनका लेखन, उनके लेख इस समाज में एक नया जोश, नई क्रांति भर दें, समाज को नई दिशा दें। वो बताने की कोशिश करें कि किस तरह की ताकतें समाज पर हमला कर उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और उन ताकतों के खिलाफ इस समाज को किस तरीके से सावधान रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बेहतर योगदान इन साहित्यकारों का नहीं हो सकता। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे भारत की धूमिल होती सहिष्णु छवि की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।